मेरे अपने बाल बहुत छोटे हैं और बहुत हल्के हैं और मैंने करवा रखे पब्लिक हेयर एक्सटेंशंस। सो कई लोगों के माइंड में है कि एक्सटेंशन होती क्या है और किन बालों में की जाती है। कई लोग बोलते हैं मैडम हमारे बाल बहुत हल्के हैं, सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है। इवन सैलून में भी क्लाइंट मुझसे यही सवाल करते हैं और आप लोग भी कमेंट में यही सवाल करते हैं, मैम हमारे बाल बहुत हल्के हैं और हमें एक्सटेंशन करवा सकते हैं हम लोग। अरे मेरी जान, हल्के बाल हैं तभी तो आप एक्सटेंशन कराओगे, भारी बाल में कौन बाल लगवाता है। जहां बाल नहीं है वहीं तो बाल डाले जाते हैं, जहां जगह खाली है वहीं तो उसको भरा जाएगा, भरी हुई जगह पे कोई नहीं आ सकता है। तो अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं तो आप एक्सटेंशन करा सकते हो। नंबर टू सवाल किया जाता है, मैम एक्सटेंशन का वेट अगर हमारे रूट्स पे तो हैवी नहीं पड़ेगा। नहीं, एक्सटेंशन का वेट कभी भी आपकी रूट्स पे हैवी नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि एक्सटेंशन में उतना ही वेट होता है जितना आपका बाल को कैरी कर सकता है। तीसरा सवाल, मैम एक्सटेंशन संभालने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आपने सिंथेटिक या प्लास्टिक या चीप हेयर की एक्सटेंशन लगवाई तो आपको दिक्कत हो सकती है ना। अगर आपने ह्यूमन हेयर की एक्सटेंशन लगाई तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्सटेंशन को संभालने में। जैसे अपने बालों को शैम्पू करते हो ऐसे ही शैम्पू करना है, जैसे कंडीशनर करते हो ऐसे ही कंडीशनर करना है, और सीरम लगा के कॉम करके रख लेना है। एक्सटेंशन की लेंथ थिकनेस हम आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। कम बॉडी तो कम बाल, ज्यादा बॉडी तो ज्यादा बाल। प्राइजेस भी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी कितने सारे बाल को सेटल करके लेगी और आपको कितनी लेंथ चाहिए है। कई लोग बोलते हैं मैम हमको स्ट्रेट बाल नहीं करने का है। हम भी आपको स्ट्रेट बाल के लिए कभी भी प्रेशर नहीं देते हैं। एक्सटेंशन आपके हल्के बालों को, आपके फेस को, आपके शोल्डर्स को, आपकी इवन बैक साइड को भी शेप करती है, बट हम आपको स्ट्रेट के लिए प्रेशराइज नहीं करते हैं। मैं तो खुद अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि मैम जैसा नेचुरल टेक्चर है उसी टेक्चर में बाल लगवाओ। हाँ, जिसका बाल डैमेज है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम जरूर गाइड करते हैं। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ कि हर बंदा स्ट्रेटनिंग करवाए, हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बाल रखे। नेचुरली वेवी बाल या नेचुरली बाउंसी बाल आपके बालों को फुला के रखते हैं, तो स्ट्रेटनिंग सॉल्यूशन नहीं है। जिसका जैसा टेक्चर है, अगर आपका कर्ली टेक्चर है तो हम कर्ली एक्सटेंशन करते हैं, अगर आपका स्ट्रेट टेक्चर है तो हम स्ट्रेट एक्सटेंशन करते हैं, और अगर आपका वेवी हेयर है तो हम वेवी एक्सटेंशन करते हैं। हम क्लाइंट के सामने इनको परमानेंटली स्ट्रेट करते हैं, हम क्लाइंट के सामने इनको कलर करते हैं। तो ये प्रूफ है कि जो केमिकल आपके अपने बालों में होता है वही हम एक्सटेंशन पे करते हैं। अब वॉश कैसे करते हैं, जब हमारा छोटा बाल होता है तो हम ऐसे गोल गोल करके वॉश कर लेते हैं, पर जब हमारा बाल लंबा होता है तो हमको ऐसे स्ट्रेट शैम्पू करना, स्ट्रेट कंडीशनर करना, स्ट्रेट सीरम लगाना है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ये वीडियो जो जो देख रहा है, इस वीडियो के नीचे नंबर चल रहा होगा, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम लगती है कि भाई मैम मुझे ये और प्रॉब्लम है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं अबाउट द पैकेजेस ऑल्सो। वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑन हेयर एक्सटेंशन, आपको एक्सटेंशन पे डिस्काउंट मिलेगा, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कई हेटर्स इस वीडियो को ट्रोल करने के लिए कहेंगे कि निशा लंबा लेंथ या बालों को मॉडिफाई करते हैं। नहीं, मैं ब्यूटी को मॉडिफाई करती हूँ। आपकी जो पर्सनल ब्यूटी है हम उसको मॉडिफाई करते हैं। मैं इंसान को बालों से जज नहीं करती, बट डेफिनेटली एक लाइफ है उसको पूरा ब्यूटीफुल जीने का हक सबका है। जिसको पानी की प्यास है उसको पानी पीना है, तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले। लेट हर ड्रिंक द वॉटर, लेट हर लीव, खुद भी जियो और उसको भी जीने दो। अगर उसको बालों की चाह है तभी वो फोन कर रही है। हु आर यू, आप कौन हो उसको रोकने वाले। यू आर नथिंग, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द हेटर्स और दोज हु आर लवर। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ना हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंची हो पर आपको इसकी जरूरत ना हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फैमिली ग्रुप्स, अपने सोसाइटी के ग्रुप और अपनी स्टोरीज पे शेयर कर दीजिएगा। जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे ये वीडियो वहां तक पहुंच जाएगी जिसको इसकी जरूरत है, जिसको एक्चुअली में उस पानी की प्यास है। तो हो सकता है कि किसी के खाली जीवन में आप प्यास भर दो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो, और जो भी प्राइस से रिलेटेड इंक्वायरी है मैंने अभी आपको बताया, कितना आप लंबा बाल ले रहे हो, कितने सारे बाल लग रहे हैं, टोटली डिपेंड। ऑफकोर्स हम लोग सबको बहुत सारे 150, 200, 300 स्ट्रैंड नहीं लगाते हैं। किसी को 50 लगने होते हैं तो हम 50 लगाते हैं, किसी को 100 लगने होते हैं 100 लगाते हैं, किसी को 80 लगने होते हैं 80 लगाते हैं, और किसी को 150 लगने होते हैं तो 150 लगाते हैं। हर बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, हर बंदे की चॉइस होती है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप खुद भी पूछ सकते हो।
एक्सटेंशंस लेडीज कोई भी करवा सकते हैं, इवन जेंट्स जिनको हेयर फॉल हो रहा है और क्राउन में पैचेस है, वो भी नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को हमको व्हाट्सअप करेंगे और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और वीडियो पे नंबर चल रहा है। प्लीज अगर आपको कॉल ना भी करनी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत सारी ब्लॉग्स बनाते हैं, हम अपनी लाइफ भी दिखाते हैं, हम आपकी लाइफ भी जीते हैं। तो थैंक यू। कमेंट करिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट भी करिएगा आपको प्रॉब्लम क्या है।